अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर सुपर डुपर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक डिलीशियस और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पम्पकिन सीजन चल रहा है, तो क्यों ना पम्पकिन खीर बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले रही हूँ एक छोटा सा और क्यूट सा कद्दू, तकरीबन 1.5 kg। मैं फ्रोज़न कद्दू यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश कद्दू अवेलेबल है तो आप वो यूज़ करें। इसके अलावा बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो हैं, दूध में ले रही हूँ 2.5 से 3 लीटर। अच्छा, जितना आपका कद्दू होगा आपने उससे डबल दूध डालना है। जैसा कि मेरे पास 1.5 kg कद्दू है तो मैं 3 लीटर दूध यूज़ करूँगी इसमें। फिर मेरे पास है चीनी 1 कप, तकरीबन 250 ग्राम। 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ थिकनेस के लिए। देन 1/2 टीस्पून केवड़ा यूज़ करूँगी। फिर मेरे पास है किशमिश, बादाम, 4 मग्स और कुछ इलायची। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्रेडेड कद्दू एक पतीले में डालते हैं और फ्लेम को करते हैं ऑन। अच्छा, अगर आप फ्रेश कद्दू यूज़ कर रहे हैं तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना पानी खुद छोड़ेगा और उसी में पक जाएगा। लेकिन मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसमें 1 कप पानी डालना पड़ेगा ताकि वो पक जाए अच्छी तरह और स्मूथ हो जाए। 1 कप मैंने डाल दिया है पानी। अब इसके खुश्क होने का वेट करते हैं और चिंटू मिंटू की मदद से इसको हिला लेते हैं ताकि हमारा कद्दू जल ना जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, कद्दू हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं दूध और साथ ही इसमें डाल देते हैं चीनी। चिंटू मिंटू की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब इसमें डालते हैं इलायची। अब मैं इसमें डालती हूँ 1/2 टीस्पून केवड़ा। इससे खीर की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अभी से क्या मस्त खुशबू आना शुरू होगी है। अब इसमें नट्स डाल देते हैं। जैसा कि दूध का उबाल आ गया है, कॉर्न फ्लोर को पानी में मिक्स करके अब इसमें डाल देते हैं। अब खीर के थिक होने का वेट करते हैं। खीर हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।